चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार प्रश्न लाया हूं और ये प्रश्न मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही पूछ रहा हूं, इसलिए आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि कितना लीटर दूध मिलेगा, आपको तुरंत कमेंट करना है। अब प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये विशेष प्रकार का प्रश्न है और मुझे किसी ने कमेंट किया है, तभी मैं ये वीडियो ही बना रहा हूं और आपको प्रश्न भी कर रहा हूं। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो पूछ रहा हूं उसके हिसाब से। मान ले जाए किसी व्यक्ति के पास टोटल, यहां पर मैं लिख देता हूं, किसी व्यक्ति के पास मान ले जाए एक से लेके जो गायों की जो संख्या है टोटल 81 गाय है। अब वो गाय है 81 गाय है तो प्रत्येक गाय को क्रमांक दे दिया गया है, तो प्रत्येक गाय जो है अपने क्रमांक के अनुसार दूध देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला गाय है वो 1 लीटर दूध देगी, है ना। दूसरा गाय जो है 2 लीटर, अगर 10वें नंबर का गाय है वो 10 लीटर, 27वें नंबर का गाय है 27 लीटर, या 50वें नंबर का जो गाय है 50 लीटर दूध देगी, और 81 नंबर का जो गाय है वो 81 लीटर दूध देगी। अब आपको ये बताना है, अगर भाइयों की संख्या जो है 9 है, ध्यान दीजिएगा, अगर 9 भाई है और इन 9 भाइयों को अगर हम इसमें गायों का भी बराबर बंटवारा करें और सभी भाई को बराबर बराबर दूध भी मिलना चाहिए, जी हाँ, सभी भाइयों को बराबर गाय मिले और सभी भाइयों को बराबर भी दूध मिलना चाहिए, तो आपको बताना है कि जो 9 भाई हैं इनको दूध की जो मात्रा है वो कितना मिलेगा, कितना लीटर दूध मिलेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। जबकि अभी आपको इन गायों का बंटवारा नहीं करना है, गायों का बिना बंटवारा करे आपको बताना है कि इसको कितना लीटर दूध मिलने वाले हैं प्रत्येक भाई को। याद रखिए, प्रत्येक भाई को बराबर गाय भी मिलेगा और बराबर दूध भी मिलेगा, ये भी तय है। बस आपको क्या करना है, यदि आप गणित को समझते हैं और अच्छा से समझते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग इसको बिना हल करे उत्तर बता सकते हैं। बिना हल करे मतलब ये है कि इन गायों को बिना बांटे भी हम उत्तर बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वो सूत्र पता होना चाहिए। और कई लोगों को अगर वर्ग पहली भरने नहीं आता है, क्योंकि मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बड़ी वाला वर्ग पहली बताइए, जैसे 9, अगर 9 बाई 9 का वर्ग पहली मुझे भरना हो तो इसको हम कैसे भरेंगे। तो आज के प्रश्न में इसका भी जवाब मिलेगा, और अगर हमारे पास 81 गाय है जो क्रमांक के अनुसार ही दूध देती है तो इनका बंटवारा भी करेंगे 9 भाइयों में, तो चलिए हम इसका बंटवारा भी करेंगे और कितना लीटर दूध देगा इसको हम सूत्र के माध्यम से बता देंगे, जी हाँ। इस प्रकार आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रत्येक भाई को टोटल कितना लीटर दूध मिलेगा। यह तो तय है कि प्रत्येक भाई को 9 गाय मिलेगा। अब यहां पर देखिए, हमने 9 बाई 9 का एक मैजिक स्क्वायर बना लिया है और यहां पर हम गायों को भी और दूध की मात्रा को भी बांटने वाले हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहां पर जो हम संख्या लिखेंगे वो गाय टोटल गिनेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर से भी 9 गाय मिल जाएगा। अगर इधर से बांटेंगे तब भी, मतलब हम क्या करें, इसको ऊपर से नीचे बांटे या बाएं से दाएं बांटे, प्रत्येक भाई को 9 गाय मिल जाएगा और टोटल 9 बाई 9 का है तो 81 गाय हो गया। लेकिन दूध की मात्रा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाने की आवश्यकता होती है। मैं जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही सरल है, क्योंकि आपने बहुत सारे हमारे चैनल पे मैजिक स्क्वायर देखे होंगे, 2 3 बाई 3 का, 4 बाई 4 का, 5 बाई 5 का, 6 बाई 6, 7 बाई 7 है, या 9 बाई 9 है, 10 बाई 10 है, सभी प्रकार के वीडियो मैंने बनाए हैं। लेकिन 9 बाई 9 और गाय का बंटवारा वाला वीडियो मैं एक बार और बना चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया है तो मैं फिर से बना रहा हूँ और एक अलग तरीके से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप मैजिक स्क्वायर बनाएं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गायों को जो बंटवारा करेंगे तो उसको दूध की जो मात्रा है उसको हम यहाँ पर जोड़कर देखेंगे और शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। शॉर्टकट तरीका मैं बाद में बताने वाला हूँ, पहले हम यहाँ पर इसको गायों का बंटवारा करना सीख लेते हैं। देखिए गायों को बंटवारा कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इनको आप गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें जो बीच का खाना होगा उसमें आपको लिख लेना है पहली संख्या, मतलब यहां पर ये कहा जाए ये जो संख्या पहला हमने लिखा ये 1 नंबर का गाय भी है जो 1 लीटर दूध देगी, ये भी तय है। अब जब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है, ये तिरछा चलना है, इसी नियम पर लागू है, तिरछा चलते हैं और आपको तिरछा ही चलना है। लेकिन तिरछा चलते समय आपको 2 कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, कब तिरछा चलना है, इन सारे जो डिब्बे दिख रहे हैं उसमें तिरछा चलते हुए अंक भरना है, ठीक है। तिरछा चलते हुए अगर ये लाइन ऊपर चला जाए, बाहर की ओर चला जाए, तो आपको जिस वर्ग में बाहर गया होगा उसी वर्ग में सबसे नीचे आ जाना होगा और संख्या भरना है, ठीक है। देखिए
जैसे हमने एक भरा, अब तिरछा चलेंगे कॉर्नर पे, तो जिस जगह बाहर हो रहा है, यहां पर बाहर हो रहा है ना, तो यहां पर दो आना चाहिए, लेकिन ये तो वर्ग के बाहर हो गया, तो ये दो जो संख्या है ना वो यहां पर आ जाएगा, देखिए। और ये दो क्या है, ये दूसरे नंबर का गाय है और दो लीटर दूध देती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया है, तिरछा जाना है, तो दो के बाद यहां पर तीन आएगा, यहां पे चार आएगा और यहां पे पांच आएगा, और ये क्रमशः उन गायों का क्रमांक भी है ना, और गायों के द्वारा दिए गए दूध की मात्रा भी है, ये याद रहना चाहिए। अब तिरछा चलते हुए अगर हम यहां पर भी बाहर चले गए, तो छह को यहां आना चाहिए, जो कि वर्ग के क्या है, बाहर है, तो यहां पर तो कोई गाय को हम नहीं रखेंगे, तो ये छह जो है अगर क्या हो जाए, अगर ये इस प्रकार बाहर हो जाए, इधर बाहर हो जाए, तो सबसे लास्ट में इधर आ जाएंगे। देखिए अभी मैं पूरा नियम बताने वाला हूं, तो छह यहां पर आ जाएगा, फिर तिरछा चलेंगे, सात यहां पर आ जाएगा, आठ यहां पर आएगा, नौ यहां पर आएगा। लेकिन जब वर्गों में हम संख्या को भर रहे हैं और भरते भरते यदि संख्या क्या हो जाए, सामने में संख्या भरा हो, तो आपको तिरछा नहीं चलना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सामने में संख्या भरा हुआ मिले, तो आपको तिरछा यहां पर नहीं चलना है, जस्ट नीचे आना है, जस्ट नीचे बोल रहा हूं, उसके जस्ट नीचे संख्या भरना है, तो नौ है तो यहां पर आ जाएगा दस। अब बाकी फिर तिरछा चलेंगे, तो दस के बाद यहां पर क्या आएगा, ग्यारह आएगा, ग्यारह के बाद यहां पर बारह आएगा, और 12 के बाद बाहर में देखिए ऊपर चला गया, तिरछा बाहर निकल गया, तो 12 के बाद 13 यहां पर तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर तो वर्ग के बाहर हो गया, तो 13 को हम सबसे नीचे ले आएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 13, ठीक है। अब यहां पर फिर से तिरछा चलेंगे, तो यहां पर आएगा 14, यहां पर आ जाएगा 15, चूंकि बाहर चला गया, और 16 को यहां पर तो हम भर नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, जिस वर्ग में बाहर हुआ है, 16 यहां पर बाहर हुआ है ना, तो 16 को हम यहां पर भरेंगे, ठीक है। 16 के बाद देखिए सामने खाली है, तो यहां पर 17 भरेंगे, उसके बाद यहां पर 18 भरेंगे, और मैंने अभी आपको बताया है अगर ये लाइन भरा हुआ है, अगला वाला डिब्बा भरा हुआ है, तो उसके जस्ट नीचे में हमको संख्या भरना होता है, तो 18 हमने यहां पे भरा, सामने भरा हुआ है, तो जस्ट नीचे भरेंगे, तो यहां पर 19 आएगा। अब फिर तिरछा चलेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 20, यहां पर हो जाएगा 21, यहां पर हो जाएगा 22, यहां पर हो जाएगा 23। देखिए हमने 23 भर लिया, अब जस्ट आपको पता है कि 23 के बाद ये बाहर जाएगा, लेकिन हमको पता है कि बाहर में तो भरना नहीं है, तो 23 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, जस्ट नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है। देखिए 23 के बाद क्या हो गया, 24, यहाँ पर आ जाएगा 25, और ये फिर बाहर चला गया, जो कि 26 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 26 नहीं आएगा, तो 24, 25 और उसके बाद 26 कहाँ पे आ जाएगा, 26 को आपको जिस वर्ग में बाहर हुआ है यहाँ पर ले आना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26, और जस्ट खाली है, देखिए 26 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 27, और हमको पता है कि सामने फिर भरा हुआ है। अब जहां पे सामने भरा हुआ हो हमें तिरछा नहीं चलना होता है, और ये जो संख्या लिखी है, अभी तक हमने 27 नंबर के गायों को बांट रखा है, इतने गायों को बांट दिए हैं जो कि 27 लीटर का ही दूध देगी ये वाला, ठीक है। अब 27 की बात क्या करेंगे, 28 नंबर पे चलते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 28 नंबर का जो है, ठीक है, यहां पर तो 28 क्या हो जाएगा, जस्ट सामने भरा हुआ है तो जस्ट नीचे आएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 28, उसके बाद 29, उसके बाद 30, क्योंकि बाकी समय हम क्रमशः तिरछा ही चलेंगे, 30 के बाद 31, 31 के बाद यहाँ पर 32 हो जाएगा, ये 32 से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 33, 33 के बाद ये हो जाएगा 34, और 34 के बाद ये फिर से ऊपर चला गया, बाहर चला गया, तो हमको तो पता है कि बाहर में नहीं भरना होता है, तो जिस वर्ग में बाहर हुआ है, देखिए इस वर्ग में बाहर हुआ है, सबसे नीचे आ जाएंगे, 34 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 35 हो गया, 35 के बाद ये यहाँ पर बाहर हो रहा है, और यहां पर आप 36 को नहीं भर सकते, ठीक है। तो जिस वर्ग में बाहर हुआ है, तो 36 के बाद इसको हम यहां पर लाएंगे, देखिए 35 के बाद 36 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब देखिए 36 सामने भरा हुआ है, तो आप यहां पर संख्या नहीं भर सकते, तो जैसे ही सामने संख्या भरा हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आना है, तो 36 के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिए आपको तिरछा चलते हुए देखना है, बगल को नहीं देखना था भाई, यहां पर खाली ऐसा नहीं देखना है, देखिए 36 के बाद 37 यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 37, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम 38 को भरेंगे, यहां पे 39 भरेंगे, यहां पे 40 भरेंगे, ठीक है, ये 40 है, यहां पे 41 भरेंगे, यहां पे 42 भरेंगे, यहां पे 43 भरेंगे, यहां पे 44 भरेंगे, और यहां पे भरेंगे 45। और हमको पता है कि यहां पर हम संख्या नहीं भरेंगे, याद रखिए सबसे कॉर्नर लास्ट वाले भाग को आपको ताला लगा है, ऐसा समझ रहा है, ऐसा समझना है कि वहां पे ताला लगा है, केवल यहीं पर आपको तिरछा नहीं चलना होता है, इस कॉर्नर वाले पॉइंट को आपको याद रखना है। आपको तीन नियम याद रखने इसमें, मतलब एक तो ये अलग नियम हो गया, आपको क्या करना है, अगर ऊपर चला जाए तो सबसे नीचे संख्या भरना है, इधर बाहर निकल जाए तो इधर सबसे नीचे में आ जाना है, और जब हम किसी भी खाने में तिरछा चल रहे हैं, सामने संख्या पहले से भरा गया है, बंटवारा हो चुका है, तो आपको क्या करना है, जस्ट नीचे संख्या भरना है,
फिर तिरछा हमेशा चलना है। तो अब देखिए हमारे पास संख्या तो समझ आ गया है, हमारे पास कितना आ गया है 45 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहां से देखिए, ठीक है 45 के बाद अगर सामने भरा हो, मैंने बताया था ना इसको लॉक मानना है, सामने भरा हो तो हम जस्ट नीचे आते हैं, तो 45 के बाद यहां पर हम भर देंगे 46 को, 46 के बाद तिरछा जाएंगे तो 47 यहां पे आ रहा है, जबकि हम यहां पर संख्या नहीं भरते हैं, तो उसी वर्ग में सबसे लास्ट में आ जाएंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 47, ठीक है 47, फिर तिरछा जाएंगे तो 48 बाहर में निकल गया, तो यहां पर हम भरेंगे, ठीक है तो यहां पर हम भर देंगे 48, तिरछा चलेंगे 49, यहां पर हो जाएगा 50, यहां पर हो जाएगा 51, यहां पे हो जाएगा 52, यहां पे हो जाएगा 53, यहां पे हो जाएगा 54, और ये सामने वाला भरा हुआ है तो हमें जस्ट नीचे आ जाना है, ठीक है यहां पर जस्ट नीचे आ जाएंगे तो कलर फिर बदल देते हैं, ठीक है 54 के बाद यहां पर हो जाएगा 55, ठीक है यहां पर हो जाएगा 56, और ये बाहर में तो आपको भरना नहीं होता है, तो यहां पर 56 हुआ है तो 57 आपको यहां पे भरना है, लेकिन यहां पे नहीं भर सकते तो हम लास्ट में आ जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 57, ठीक है उसके बाद तिरछा चलेंगे तो यहां पर आएगा 58, उसके बाद बाहर चले जाएंगे तो 59 बाहर में जा रहा है तो सबसे नीचे यहां पर आ जाना है, ठीक है ये हो जाएगा 59, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब सामने भरा हुआ है तो यहां पर तो भर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है 63 हो गया तो यहां पर हम कर देंगे 64, फिर यहां पर आएगा 65 और यहां पर आ जाएगा 66, ठीक है अब 66 आ गया तो हम क्या करेंगे यहां पर अगर बाहर चले गए तो यहां पर तो हम संख्या नहीं भर सकते, तो जिस वर्ग में बाहर गया होगा देखिए 66 हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएगा 67। हाँ यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, इस लाइन में आप देख सकते हैं जहां पे 7 आया है ना तो क्रमशः ऊपर में 7 आते जा रहा है, नीचे में 6, मतलब इनमें दो ही प्रकार का संख्या आएगा, इकाई में 6 और 7 आ रहा है, देखिए इसमें इकाई में 8 आ रहा है तो बाकी जगह 7 ही आ रहा है, इसमें इकाई में 8 आ रहा है तो बाकी जगह 9 ही आ रहा है, तो ये सभी संख्याओं को देख सकते हैं, इसमें सब इकाई में देख सकते हैं 3 आया है और 4 आएगा, इसमें सबके इकाई में 2 आया है और कुछ संख्या और आएगा, इसमें देखिए 5 आया है और 6 आया है, तो इस प्रकार संख्याओं में भी कुछ समरूपता होती है। अब देखिए हमारा जो संख्या वो कौन सा है, यहाँ पे 67 है सामने खाली है तो यहाँ पर हम 68 भर सकते हैं, यहाँ पर 69 भी भर सकते हैं, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर तो भर नहीं सकते, तो हमारे पास कौन सा आ गया है 70 हमें भरना होगा, है ना 70, तो हमें यहाँ पर भर लेना होगा, ये हमारा हो गया 70। अब 70 के बाद यहाँ पर 71 आएगा, तिरछा चल रहे हैं क्योंकि जगह खाली है, यहाँ पर देखिए हम भरेंगे 71 के बाद क्या हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। अब 72 भर लिए तो अब हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पर संख्या भरेंगे, तो 72 के बाद सामने भरा हुआ है तो हम सामने यहाँ पर भरेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 73, 73 ये हो जाएगा, 74 ये हो जाएगा, 75 ये हो जाएगा, 76 उसके बाद 77 यहां पर भरना है, जबकि हमको पता है कि बाहर में तो हम वर्ग भर ही नहीं सकते, तो यहां पर नहीं भरेंगे तो हम कहां पे भरेंगे जिस वर्ग में बाहर हुआ है, 76 के बाद 77 इस वर्ग में बाहर हुआ है तो यहां पर हमको भरना होगा 77। और मैंने आपको कहा था देखिए सभी इकाई में 7 आया है और इधर सब में 6 आया है, यहां पर भी 7 आया है। अब 77 के बाद सामने खाली है तो यहां पर हम भरेंगे 78, यहां पर भरेंगे 79 और यहां पर भरेंगे 80। अब ये फिर से बाहर चला गया ना तो हमको तो पता है कि बाहर में संख्या नहीं भरना है, तो 80 के बाद क्या हो जाएगा यहां पर 81। अगर आप इस प्रकार वर्ग भर रहे हैं और आपने पूरे सारे खानों को भर लिया और कहीं पर आपसे गलती नहीं हुआ है तो 100% तय है कि आपने वर्ग पहली को बिल्कुल सही भरा है। अब ऐसा करने के बाद ध्यान दीजिएगा, इतना जब आप कर लेंगे ना उसके बाद आपको क्या करना है, इतना जब आप कर लोगे उसके बाद आपको जो वर्ग पहली जो दिखाई दे रहा है वो बन गया है। अब इसमें किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उन 9 भाइयों को गायों का बंटवारा कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुत आसानी से आपने क्या किया है बंटवारा कर लिया है। अब देखिए मैं आपको बता भी देता हूं कि इनको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा योग आ जाएगा बराबर, ठीक है देखिए अब मान ले जाए ये हमने पहले भाई को दिया, ये दूसरे भाई को, तीसरे भाई को, चौथे भाई को, पांचवे, छठवे, सातवें, आठवें और नौवें, और हमको पता है कि वर्ग पहली की खासियत होती है कि चाहे तो ऊपर से नीचे जोड़े, बाएं से दाएं जोड़े या फिर डायगोनल में जोड़े, किसी भी प्रकार जोड़े, तो इनका जो योग होता है ना वो बराबर ही आता है। तो इनमें देखिए यहां पर हम देंगे, अगर इस पहले लाइन को हम पहले भाई को देते हैं, दूसरे लाइन को दूसरे भाई को देते हैं, तो किसी भी भाई को कोई आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि बस उसको गाय का क्रमांक अलग मिल रहा है, गाय तो सभी को 9 मिलेगा और दूध की मात्रा ही बराबर मिलेगा। अब इतना करने के बाद जब हम जोड़ेंगे ना
तब हमें पता चलेगा कि अरे इनका तो जो गाय की मात्रा है वही बराबर है और दूध की मात्रा वही बराबर है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इतना नहीं करना पड़ेगा, तब भी आप क्या कर सकते थे, इसको बिना भरे भी आप क्या कर सकते थे, दूध की मात्रा निकाल सकते थे। ये तो तय है कि 81 गाय है तो 9-9 गाय मिलेगा। अब अगर इसको हमने जोड़ लिया है तो दोनों ही तरीके से आपको वहां करके बताते हैं। इसको जोड़ने का काम आप लोग खुद कर लीजिएगा वीडियो कहीं रोक करके, मैं केवल किसी एक लाइन का जोड़ देता हूं। चलो हम बीच का ही जोड़ते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये कितना हो गया 9, यहां पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब देखिए बीच की ये जो संख्या दिख रहा है इसको हम जोड़ देते हैं, है ना, यहीं से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रमशः है, ध्यान दीजिएगा ये क्रमशः जुड़ा हुआ है, तो इन क्रमशः संख्या जुड़ा इसको हम जोड़ सकते हैं। चाहे तो आप क्या कर सकते, क्रमशः लिखा हुआ है जोड़ना बड़ा आसान होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 8, 7, 15 करेंगे, 15, 6, 21 करेंगे, 21 में आप 5 जोड़ेंगे 26 होगा, 26 में 4 जोड़ेंगे 30 होगा, 30, 3, 33 होगा, 33, 34, 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36, मतलब 369। और चूंकि हमको पता है कि ये क्या है, ये दूध की मात्रा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रमांक को लिखा है, अर्थात प्रत्येक भाई को इतना लीटर दूध मिलेगा, मतलब 369 लीटर दूध मिलने वाला है प्रत्येक भाई को। ये किस मेथड से हमने जाने जब इसको हमने जोड़ा, इसको चाहे तो आप बाएं से दाएं जोड़ेंगे ना तब भी इसका उत्तर कितना आएगा, 369 ही आएगा, जो कि इनके दूध की मात्रा को बता रहा है, ठीक है फिलहाल। और यहां पर देखिए अगर इसको हम शॉर्टकट विधि से निकालना चाहते, सूत्र विधि से निकालते, तो हम कैसे निकालते, तो इसके लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमको पता है कि 1 लीटर से प्रारंभ होता है दूध देने की जो मात्रा है वो, और 81 लीटर तक जाता है। तो भाई इसको यदि आपको पता है गाय का संख्या भी है और दूध की मात्रा भी है, तो भाई जब ये 81 लीटर दूध दे रही है, 1 लीटर भी दे रही है, तो ये हमें शुरुआत और आखिरी के अंक पता है। तो गणित में यदि आपको शुरुआत और आखिरी के अंक पता है ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ लेना है। मैं आपको दो तरीका बता रहा हूं, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, तो 81 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। इसको आधा कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। चूंकि हमको पता है कि इसको 9 भाइयों को बांटना है, क्योंकि 9 बाई 9 का मैजिक स्क्वायर है, 9 भाइयों को बांटना है, तो इसी को आप क्या कर दीजिए, बस 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 एक कम 9 और 9 चौक कितना हो रहा है, 36। आप देख सकते हैं 369 यहां पर भी आया है और यहां पर भी 369 आया है। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ही मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने जो निकाला है वो किस सूत्र के तहत निकाला है वो भी बता रहा हूं। देखिए हमको क्या करना है, मैजिक स्क्वायर का योग का एक सूत्र होता है, मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है, योग का सूत्र बता रहा हूं। क्या होता है, अगर 9 बाई 9 का मैजिक स्क्वायर है तो 9 लिखेंगे, गुणित लिखेंगे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको 2 से भाग दिया जाता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग मैंने किया था, लेकिन मैंने इसको अलग अलग बता दिया था, 9 लिख दिए थे यहां पर, इन दोनों को यदि हम हल करेंगे तो हमारा 82 हो जाएगा, 82 को आपको 2 से भाग देना होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 और 2 एक कम 2, तो देखिए 9 गुणित कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। इनको जब आप हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 369। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, गायों का भी बंटवारा कर सकते हैं और दूध का भी बराबर बंटवारा कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपको 9 बाई 9 का मैजिक स्क्वायर को सीखना है तब भी आपने इस वीडियो में सीख लिया, और इसमें भाइयों के द्वारा गायों का भी बंटवारा हो गया और दूध की बराबर मात्रा भी मिल गया। निश्चित रूप से ये प्रश्न मुझे जिसने भी किया है, इसमें उसका नाम तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसका ईमेल आईडी दिख रहा था, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे कमेंट किया था कि आपको दूध का बंटवारा करके बताना है, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।